वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। हम आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम हरियाणा जीके की फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं, और ये क्विक रिवीजन होगी, और ये वीडियो ऑडियो में होगी, और ये जो अभी नया एग्ज़ाम आ रहा है नया तहसीलदार के लिए, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कोशिश रहेगी कि इन दो वीडियो में आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके कवर कर ली जाए। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक तंवर। कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? रमेश कुमार, अनूप कुमार, दोनों। हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? गुड़गांव में। महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? सहलोग में। ठोस अपरद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंध प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ पर समझौता किया है? मेवात कलेक्टर में। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? 1966 में। हरियाणा के वर्तमान उत्पादक शुल्क और कराधान मंत्री कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। हथनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1952 में। प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1 मार्च। सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम कितने दिनों तक चला? 3 दिनों तक चला। पंजाब राज्य की सीमा कौन सा जिला है? कैथल। विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? 1877। हरियाणा विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। दलेल सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित हैं? वॉलीबॉल। हरियाणा रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान कौन है? अमित मिश्रा। गांव मोरेरा का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर बदल दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरेरा का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर बदल दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ? लियाकत अली खान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले में सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? झज्जर में मछली सजावटी के लिए स्थापित किया जाएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कौन सी तहसील में हुआ है? महम में मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म हुआ है। गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम में बदल दिया गया था? 2016 में। हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुई थी? जुलाई में। नागफनी में कांटे का किसका रूपांतरित प्रकार है? पत्तियों का। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? चौधरी देवीलाल को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? रोहतक में। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? चौधरी देवीलाल को। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। हरियाणा में सभी फेसबुक ट्विटर यूजर्स को किसके साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर क्या पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है? शराब को सार्वजनिक स्थानों पर हम नहीं पी सकते। हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने वर्ष के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है? उम्र होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों को 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ई सेवा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुराना सभ्यता की साइट का निरीक्षण कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से करेंगे? राष्ट्रीय नासा और इसरो, ये हमारे दोनों ही सर्च एजेंसी हैं। ये हमारे क्या कहते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सभ्यता साइट को निरीक्षण करेंगे। हरियाणा हास्य कवि में किसने अपना योगदान दिया? सुरक्षा
हरियाणा हास्य कवि में किसने अपना योगदान दिया? सुरेंद्र शर्मा। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुंदर का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हेमराज निगम ने क्या लिखा है? सीप का मोती। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? नहर सिंचाई। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? भैरोड़ की पहाड़ियों से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? हल्दी। हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम क्या है? काला सोना। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। भारतीय संघ के किस राज्य में अपना अलग संविधान है? जम्मू एंड कश्मीर। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित कौन सा बांध है जो और जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? अनंगपुर बांध। मुगल सम्राट द्वितीय द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़। सराफाबाद बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पंजाब हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई? शाह आयोग की। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ है? दिल्ली का भी जो मुख्यमंत्री और करंट पर हैं वो हमारे क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हरियाणा के भिवानी से रहने वाले हैं। ठीक है, अब हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा अगर पूछा जाए हरियाणा मैप में कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा भारत में अवस्थित एक उत्तर पश्चिम राज्य है। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितनी सीमाएं इनको मतलब टच करती है हरियाणा को? 5। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात करते हैं कि सब राज्य के वृक्ष कौन सा है? पीपल। राष्ट्रीय पुष्प हरियाणा का कौन सा है? कमल। राज्य के पशु ब्लैक बक और राज्य के पक्षी ब्लैक या काला तीतर। काला तीतर ये क्या है? इसका राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तहसीलदार। अभी जो करंट क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवद गीता। से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? भगवद गीता। त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल। भीम पुरस्कारों में कितने रुपयों का नगद पुरस्कार शामिल है? 5 लाख। भिवानी मुक्केबाज क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने। पंडित नेकी राम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया? संदेश। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच आता है? 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत के संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल की अवधि के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 22वां संशोधन। भारत में पशु प्रजनन हरियाणा कौन से स्थान पर है? दूसरा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में स्थित है? भिवानी। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के किस स्थान पर सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला है? झज्जर। अब बात करते हैं कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? राजा करण का टीला। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। हाँसी का बरसी दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री है? 1। हरियाणा में 2011-2012 तक कितनी प्राथमिक सरकारी समितियां हैं? 71। कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? मलका। बल्लभगढ़ का किला बनाया गया था सन 1739 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मराठा तोपखाने का परिवारी कौन था? इब्राहिम खान गार्दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? सूरजमल ने। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे कि खनवा की लड़ाई के समय एली मेवात कौन थे? हसन खान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध में कब लड़ी थी? 5 नवंबर 1556 में।
अब बात करते हैं कुछ और। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से पीजीटी के स्थानांतरित किए हैं? एमआईएस पोर्टल। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 72। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में अवस्थित है? पंचकुला में। भारत परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? जींद में। परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? अंबाला। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? पंजाब। अरावली पर्वत माला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? रोहतक में। हरियाणा के कौन से गोल्फ खिलाड़ी ने एशियन गेम 2010 में रजत पदक जीता था? अभिनव लोहान ने। हरियाणा के किस जिले में निकट मोरनिका पहाड़ियों स्थित है? पंचकुला। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उल्लेखन किसने किया? सूरजबान। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? गुरुग्राम। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का शुभारंभ किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह। देश का पहला राज्य किसने ऑनलाइन स्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया है? हरियाणा ने। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल। हरियाणा के प्रथम राजकवि माने जाने वाले कौन है? उदयभानु हंस। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद। हरियाणा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सन्नो देवी। किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी नामक स्थल खोदा गया था? हिसार। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? अभी ये रिपीट हो गया क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के हैं, तो मैं उनको ही क्या कहते हैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा के कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6। हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशाला के निर्माण और रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियाँ बनाने का निर्णय लिया है? सरपंच। हरियाणा में राजा जैनमय का संबंध किस नगर से है? सफीदो। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? नवंबर। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है पलवल में। हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई, वह नाम से जाने जाते हैं फरीदरी सकरागंज। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। अब बात करते हैं मरकंडा नदी कहाँ से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों से मरकंडा नदी निकलती है। एक ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? निर्वाचन क्षेत्र मतलब जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। करवन देव कंबोज किस नदी किस क्षेत्र से है? इंद्री से। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। लोकसभा में हरियाणा के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 10। ख्वाजा अल्ताफ हसैन अली थे कवि, ये क्या थे? एक कवि थे। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले अभिनव बिंद्रा इस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम, जो पिंजौर में गार्डन है वो है यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा मुहावला चिलम भरण का अर्थ है, मतलब चिलम भरना मतलब खुशमंद करना। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? कुंजपुरा में। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना का क्या मतलब होता है? मेहमान घर में आने का। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती? रोहतक। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? साइकिल। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर का पुण्य निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार सदाशिव राव द्वारा। लाखन माजरा गांव कौन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? मांझी साहेब गुरुद्वारा के लिए। बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा शहर विख्यात है? पानीपत। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? करनाल में। कन्नौड का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? करनाल में। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राजा रवि वर्मा एक थे चित्रकार। हरियाणा पिंजौर में
ये भी हो चुका है। घरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? करनाल में। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? पश्चिमी यमुना नगर से। सी गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि कहा जाता है? संत सूरदास। हरियाणा में पानीपत की पहली लड़ाई किसकी फौजों के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुना नगर में। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर जो अभी आजकल यूज हो रहा है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का भवन कहाँ बनाया गया है? पंचकुला में। सरकार ने भवांतर भरपाई योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए निरीक्षण करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? जिला सत्र के अध्यक्ष को। हरियाणा की पहली महिला सहायक लोको पायलट कौन है? रजनी अंबाला से बिलोंग करती है। देश का प्रथम राज्य जहाँ उच्च जोखिम वाले गर्भ अवस्था का पोर्टल का आरंभ किया है कहाँ पर? हरियाणा में। मशरूम की खेती करने के लिए हरियाणा को कितने जोन में बांटा गया? 3 जोन में बांटा गया। हरियाणा के राज्यपाल के नए एडीसी कौन है? सौरभ यादव। एडीसी मतलब परिसाए। इन्होंने किशन सिंह का स्थान लिया है। पहले इनकी जगह किशन सिंह थे और अब सौरभ यादव है हरियाणा के राज्यपाल के नए परिसाए। अब बात करते हैं हरियाणा की किस अकादमी ने अपने सभी प्रकाशन डिजिटल करने का निर्णय लिया है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने इनका निर्णय लिया है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है वीरेंद्र सिंह। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किस स्थान को माना है? यमुनानगर को। पंचकुला में संस्कृत कॉलेज कहाँ बनेगा? माता श्री मनसा देवी परिसर में। माँ शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? यह हमारे गुड़गांव में है। एचएमटी का पिंजौर स्थित ट्रैक्टर डिवीजन कब बंद हुआ? एचएमटी की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स और ये 24 जनवरी को डिवीजन इसका बंद हो गया था। प्रदेश का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? पॉलीथीन पर बैन कर दिया हरियाणा सरकार ने। पहला जिला कौन सा बना है? फतेहाबाद। केंद्र सरकार ने किस 4 लेन रोड को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया है? मेरठ करनाल राजमार्ग को इन्होंने 4 लेन राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया। इसकी लंबाई 85 किलोमीटर है और राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करने के लिए शामिल कर लिया गया है। 34वें खेल मेले का आयोजन कहाँ हुआ? यमुनानगर में। सरस्वती नदी को लेकर प्रदेश में सम्मेलन कब हुआ? 7 से 8 फरवरी को। प्रदेश सरकार द्वारा क्राइम पेट्रोल करने के लिए कितने थाने खोलेगी? 31। इसके अलावा 6 नए महिला थाने खोले जाएंगे जिनमें एक एक थाना फरीदाबाद और गुड़गांव में भी खोला जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल फॉर्मिक सेंटर को कितने अवार्ड मिले थे इस बार? 3। प्रदेश के किस जिले में जन निजी सहभागिता केंद्र की स्थापना होगी? हिसार में। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ वेशभूषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आती भी हैं। धोती, धोती सबको ही पता है, धोती पहना जाता है पुरुष और स्त्रियों दोनों द्वारा, ठीक है। टोपी, गांधी की टोपी जैसी ही होती है, ये भी एक लोई होती है। रुई की कमरी मतलब रजाई को हम बोलते हैं टोपी, तो हो गया। खेस, खेस क्या है? एक मोटी मोटी सूत, ये क्या कहते हैं, सर्दियों में पहनी जाती है, मोटे सूत की बनी हुई होती है, ठीक है। अब थोड़े बॉलीवुड स्टार जो किस किस से बिलोंग करते हैं। सुनील दत्त यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, मनोज कुमार झज्जर से, सतीश कोसी है ये क्या है हमारे अभिनय है महेंद्रगढ़ से, सोनू निगम फरीदाबाद से, वेद गांधी अभिनय ये भी निर्माण यमुनानगर, और पूजा बत्रा अभिनय रोहतक से, ओम पुरी अम्बाला से, मोनिका सोनी रेवाड़ी से, प्रियंका चोपड़ा अम्बाला, केडी और एमडी दोनों भाई हैं ये दोनों जींद से, सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार ये क्या है महेंद्रगढ़ से। अब बात करते कुछ नृत्य हरियाणा के लोकप्रिय नृत्य। मंजीरा नृत्य ये कब क्या किया जाता है? जब बड़े बड़े ये मतलब डफ और मंजीरों के साथ मिलकर इसका नृत्य किया जाता है। छठी नृत्य, जब कोई नया घर में बच्चा पैदा होता है उसके खुशी में छठी नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य, छड़े नृत्य में पुरुषों द्वारा भादो मास की नवमी के लिए गुग्गा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। फाग नृत्य, यह नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य, यह नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नेता नेत्र
रास रास डांस कब किया जाता है? यह डांस भगवान कृष्ण के रास लीला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हमारे लोक नृत्य थे। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि हरियाणा के पहले सूफी संत कौन माने जाते हैं? शेख मोहम्मद तुर्क। हादी है हरियाणा के रचयिता कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को। हरदेव सांगी ने कौन कौन से सांग रचे हैं? हीर रांझा, चंद्र किरण, ज्योति चोर आदि। कौन सा सांगी नई जाति से संबंधित है? बाजे भगत। सांगी मांगेराम अपने सांगी मांगेराम का गुरु कौन है? पंडित लक्ष्मी चंद। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1730 में शुरू हुई थी। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से घिरा हुआ है? जींद। जींद जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है? 7 जिलों से। हरियाणा की शुरुआत कब हुई थी? 2 मई 2015 में। स्टंप की जो स्टंप हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली का कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है? तोसाम की बारादरी। मटिया का किला किस राज्य में है? पलवल में। अब बात करते हैं हरियाणा थोड़ी फिल्म, पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणा भाषा की पहली फिल्म हर फूल जाट जुटाल जुलानी थी। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म धरती थी। प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? बहुरानी। चंद्रावल फिल्म कब प्रकाशित हुई थी? 1984 में। इसके निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर। और सर्वाधिक हरियाणा फिल्म बनाने वाला निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। सुपरहिट अभिनेता कौन है? जगत जाखड़। चंद्रावल फिल्म के अभिनेता जगत जाखड़। चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री कौन है? उषा शर्मा। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी वीडियो देखी। अब इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे, उसके अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे।